तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? मैं मनीष और आप लोग देख रहे हो GW मनीष यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, आज का वीडियो होने वाला है M1887 हेडशॉट ट्रिक के ऊपर। जैसा गाइस आप सभी लोगों को पता है, M1887 एक कितनी ओपी गन है, लेकिन अगर आप लोग इस गन से हेडशॉट लगाना सीख जाओ तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आपका गेम प्ले कितना इम्प्रूव हो जाएगा। एंड इस गन से अगर आप हेडशॉट लगाना सीख गए अच्छे से, तो आपको तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये गन कितनी ज़्यादा ओपी हो जाएगी। तो अगर आज की वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग दो गुली वाली शॉटगन से हेडशॉट लगाना अच्छे से मतलब सीख सकते हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि गाइस, जो मैंने ट्रिक बताई है बहुत ज़्यादा ईजी है, एकदम हार्ड नहीं है। एंड अगर आप लोग MP40 यूज़ करते हो, तो यार मैंने स्पेशली इस पर भी एक पहले वीडियो बना चुकी है MP40 हेडशॉट ट्रिक के ऊपर। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेक कर सकते हो। उसमें भी मैंने बताई थी इजी स्टेप्स में कि आप कैसे हेडशॉट लगा सकते हो। तो वीडियो शुरू करते बिना आप लोगों का टाइम बर्बाद किए, लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो, बाजू में बेल नोटिफिकेशन बेल उसे ऑल पे सेट करो, क्योंकि हम फ्री फायर से रिलेटेड ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। अब आते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो है एम असिस्ट। गाइस, जो हमारा बीच में रेड डॉट आता है बिना स्कोप किए, उसे बोलते हैं हम एम असिस्ट। अगर आप इसे अच्छे से सीख जाओगे तो आपको हेडशॉट लगाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो पहले बात करते हैं कितने टाइप के एम असिस्ट होते हैं। तीन टाइप के एम असिस्ट होते हैं। सबसे पहला जो एम जाता है वो है घुटनों पर। आप सभी लोग को पता है हिप्स के नीचे और घुटने के बीच में जो एम जाता है, कभी कभी बोलते हो ना कि यार पैर पे एम चला गया इसलिए बंदा डाउन नहीं हुआ, तो ये फर्स्ट टाइप का होता है, घुटनों पे एम जाता है। एंड जो सेकंड आता है वो है चेस्ट और स्टमक के बीच में। यहाँ पे गाइस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसमें अच्छे से बहुत जम से ड्रैग करते हो, फिर इसमें अगर अच्छे खासे ड्रैग कर देते हो तो आराम से हेडशॉट लग सकते हैं। जैसे कि इस तरह देखो, पहले एम आया था वो चेस्ट पे आया था, देन उसके बाद मैंने ड्रैग किया, देन हेडशॉट लग गया। एंड जो थर्ड वाला है वो है चेस्ट और हेड के बीच में। ये बहुत ज़्यादा ही मतलब आसान है, अगर आप इसमें एक बार अगर आपका एम चला गया तो गाइस थोड़ा सा भी ड्रैग करोगे आराम से हेडशॉट लग जाएगा, जिस तरीके से यहाँ पे मैंने उन दोनों को मार दिया। तो अब शायद आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एम असिस्ट होता क्या है एंड एम असिस्ट वर्क कैसे करता है, क्योंकि गाइस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एमिंग करना चाहिए सीख जाओगे तो आपको हेडशॉट लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठ के आता है कि यार हम अपना एम को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं हम। तो यार सबसे बेस्ट तरीका वो है ड्रैग। अच्छे से ड्रैग करोगे तभी आपका एम इम्प्रूव होगा, ऐसा कोई अलग से कोई टेक्निक नहीं है जिससे आप अपना एम इम्प्रूव कर सकते हो। जितना अच्छा ड्रैग करोगे उतना अच्छा हेड लगेगा। अब यहाँ पे चलते हेड शॉट ट्रिक की तरफ। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है वो है डिस्टेंस। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि यार M1887 में डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप इसमें डिस्टेंस मेंटेन नहीं करोगे तो आपको जो हेड शॉट लगाने के चांसेस वो 0% हो जाएंगे, मतलब हेड शॉट बहुत ही कम लगेगी और जो हेड शॉट लगेंगे वो अंदाजी लगेंगे। एंड जो सेकंड चीज़ आता है वो एम अबाउट चेस्ट। जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था टाइप्स ऑफ एम असिस्ट के बारे में, उसमें से नंबर 2 पे आया था अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया होगा तो वही बात कर रहा हूँ गाइस। आपका जो एम होता है वो चेस्ट के ऊपर या फिर स्टमक के ऊपर जो आता है चेस्ट, वहाँ तक रखना है एटलीस्ट। एंड उसके बाद ड्रैग करना है। एंड जो ड्रैग करना है गाइस आपको नंबर 3 ड्रैग करना है, वो पावरफुल करना है, मतलब अच्छा खासा जंप से करना है। ऐसा नहीं कि यार आपकी उंगलियों में ताकत नहीं है और बस थोड़ा सा ड्रैग कर रहे हो, नहीं, ऐसा करोगे तो बात बिल्कुल नहीं बनेगी। आपका जो फायर बटन होता है उसे यार अच्छी तरह से वो ड्रैग करना है, ऊपर की तरफ लेना है, तभी यार हेडशॉट बहुत अच्छी तरीके से लगेंगे। अगर आप धीरे से करते हो, बाय द वे अगर आपके दिमाग में आया हो कि भाई धीरे से करने से क्या होता है, तो गाइस धीरे से करने से सपोज आपका एम चेस्ट पे है तो आपका चेस्ट पे ही अटक जाएगा, हेड पे नहीं लगेगा, समझ गए गाइस। एंड जो फोर्थ चीज़ है वो है जंप। मतलब अगर आपको हेडशॉट लगाना है यार तो जंप आपको बिल्कुल नहीं करना। जैसे कि देख सकते हो गाइस, यहाँ पे जंप कर करके मार रहा हूँ घंटा में, यार हेडशॉट दूर की बात, यार बंदे पे एम ही नहीं जा रहा है, तो हेडशॉट तो बहुत दूर की बात है। अब यहाँ पे कुछ बंदे बोलेंगे नहीं भाई आप गलत बोल रहे हो यार, हम तो जंप करके भी हेडशॉट लगाते हैं। तो गाइस यहाँ पे एक बात समझना है, यहाँ पे मैं आपको ड्रैग हेडशॉट्स के बारे में बता रहा हूँ। वो जो आप जंप करके मारते हो वो है जंप हेडशॉट। जंप हेडशॉट मैं भी मारता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं जंप हेडशॉट का ट्यूटोरियल बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ड्रैग हेडशॉट्स कैसे लगाते हैं। दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है गाइस, दोनों को मर्जब मत करो वरना आप खुद कन्फ्यूज हो जाओगे। एंड जो फिफ्थ चीज़ आते हैं वो जॉयस्टिक। अब यहाँ पे इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि जॉयस्टिक का यूज़ करने से यार हेडशॉट नहीं लगता है। आपने अगर मेरी MP40 हेडशॉट ट्रिक वाली वीडियो देखी होगी तो यहाँ पे मैंने कितने बार आपको बोला था कि यार वहाँ पे आप अपना जॉयस्टिक का यूज़ करोगे तो हेडशॉट बहुत ज़्यादा आसानी से लगेंगे। लेकिन गाइज वो है MP40 और ये है M1887, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है यार। उसमें बहुत सारे आपको एमओ देखने मिलेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही गोली देखने मिलेगी, मतलब आपके पास 2 ही चांस है हेडशॉट मारने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं यार, MP40 में बहुत सारे आपको चांसेस मिलेंगे, जितनी उसमें एमओ होगी उतने आपको चांसेस मिलेंगे। तो ये आपको डिफरेंस समझना होगा। अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि यार
हेडशॉट नहीं लगते अगर आप जॉयस्टिक का यूज करते हो। बस मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप जॉयस्टिक का यूज करते हो तो हेडशॉट लगने के चांसेस कम हो जाते हैं M1887 में, ठीक है। अगर आप जॉयस्टिक का यूज़ नहीं करते हो तो आपके चांस बढ़ जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। तो अगर आप वो स्टेप्स यूज़ करोगे तो आपको हेडशॉट लगने के चांस थोड़े से बढ़ जाते हैं। ओवरऑल अगर आप एक बार एमिंग करना अच्छे सीख जाओगे देन आपके लिए हेडशॉट लगाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, फिर भाई आपने एम असिस्ट के बाद जो 5 पॉइंट और कवर किए वो क्यों किया? तो अब भाई आप लोगों को बता दूँ, आप में से बहुत सारे लोगों के जिनको यार हेडशॉट टेक्निक के फिजिक्स नहीं पता होगी, मतलब जो एक्चुअली में हेडशॉट कैसे लगते हैं वो बहुत लोगों को पता नहीं होगी, तो स्पेशली मैंने उन्हीं के लिए बनाया। एंड जो एम एसिस्ट था वो स्टार्टिंग में कुछ ऐसे बंदे होते हैं जिनको हेडशॉट लगाना आता है, उनको सब कुछ पता है हेडशॉट कैसे लगते हैं कैसे, लेकिन फिर भी वो हेडशॉट लगा नहीं पाते। तो ओवरऑल मैं फिर से वही बात बोलूँगा, अगर आप अच्छे से एमिंग करना सीख ही जाओगे तो फिर किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होने वाली है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ठोको गाइस, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड गाइस अगर आपको किसी चीज़ पर दिक्कत आती है, मतलब आप हमें कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो बिना किसी दिक्कत के आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर हमसे हो पाया तो हम यार आपके सजेस्टेड टॉपिक पे वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो गाइस मिलते हैं और इसी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू ऑल एंड पीस आउट, टेक केयर, बाय बाय।